अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, 80 साल की इबादत और खौफे खुदा का वाकया। दोस्तों, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने 80 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की, फिर अचानक उससे कोई खता सरजद हो गई जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खौफ ज़दा हुआ। इसी खौफ के आलम में वो एक बयाबान जंगल में आया और उस जंगल को मुखातिब कर कहने लगा, ए बयाबान जंगल, तुझ में रेत के टीले, झाड़ियाँ, रेंगने वाले जानवरों की बहुत तादाद है, तो क्या तुझ में कोई ऐसी जगह भी है जो मुझे मेरे पाक परवरदिगार से छुपा ले? बयाबान ने अल्लाह ताला के हुक्म से जवाब दिया, ऐ फला, मुझ में मौजूद हर दरख्त और झाड़ियों पर एक फरिश्ता मुकर्रर है, मैं तुम्हें अल्लाह ताला से कैसे छुपा सकता हूँ? फिर वो आदमी समंदर के पास आया, उसे पुकार कर कहा, ए गहरे पानी और कसीर मछलियों वाले समंदर, बता क्या तुझ में कोई ऐसी जगह है जो मुझे मेरे पाक परवरदिगार से छुपा ले? समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से बोला, ए फुला, मेरे अंदर जो भी कंकरियां या जानवर हैं उस पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर है, मैं तुम्हें अल्लाह ताला से किसी भी तरह से छुपा नहीं सकता। इसके बाद उस आदमी ने पहाड़ों का रुख किया, उनके पास आया और कहा, ऐ आसमानों के तरफ बुलंद होने वाले कसीर गारों पहाड़ों, क्या तुम में कोई ऐसी जगह है जो मुझे मेरे रब से छुपा सके? पहाड़ों ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, हमारे अंदर कोई कंकड़ी और कोई गार ऐसा नहीं जिस पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर ना हो, तो बताओ हम तुझे कहाँ छुपा सकते हैं? हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फिर वो आदमी उसी जगह पर रहने लगा और अल्लाह ताला की इबादत करता और अपने गुनाहों से तोबा करने में लग गया। बिल आखिर जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने रोकर अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, मेरी रूह कब्ज करके फौत सुदा अरवाह और मेरा जिस्म फौत सुदा अजसाम से मिला दे और मुझे कयामत के दिन न उठाना। दोस्तों, उस इंसान ने 80 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की, सिर्फ एक गुनाह की वजह से वो इस तरह खौफ ज़दा हो गया कि वो पहाड़ों और जंगलों में घूमता फिरता। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।